दोस्तों हमारी बॉडी में 60% से भी ज्यादा पानी पाया जाता है, इसीलिए कहा गया कि पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम वही पानी गलत समय और गलत टाइम पे पीते हैं तो यह बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि इंडाइजेशन, माइग्रेन, अर्थराइटिस, हेयर फॉल, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। 99% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं, जो कि पानी का फायदा लेने की जगह अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हो पानी पीने का सही तरीका तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है, वेलकम है आपके अपने चैनल टिप्स और हेल्थ में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके सामने दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हो या तो इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वाटर हम अपने खाने में से, फूड में से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। पानी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम इसको जब चाहे जैसे चाहे इसको पी ले। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हम पानी पीते समय करते हैं और इसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले, ड्रिंकिंग वाटर बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं। आज के दौर में बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत होती है, लेकिन उनको इसके नुकसान नहीं पता। आयुर्वेदिक के मुताबिक खाना खाने से बाद पानी पीना जहर के बराबर माना गया है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं उससे क्या होता है, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, उसमें पानी मिक्स हो जाता है और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वह सड़ता है, जो वह सड़ता है तो वो शरीर को बहुत सारी बीमारियाँ लगाता है। इसके कारण न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने की जगह ये बीमारियों का कारण बनता है, लाइक गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं खाना तो बहुत खाता हूँ लेकिन मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। इसका यही कारण है, इसलिए खाने से 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी को पीना अवॉइड करें। और आपके लिए मैं एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं खाने के बाद कुरला कर लेता हूँ। 4th नंबर पे आता है पानी को तेजी तेजी से पीना। आजकल की भागदौड़ जिंदगी में लोग पानी को चलते चलते पीते हैं। आपको यह जान के शॉक लगेगा जब आपको पता चलेगा, ये बहुत मैटर करता है कि पानी किस तरीके से शरीर में जा रहा है। जल्दी जल्दी से पानी पीने की वजह से बॉडी जो है पानी को एक्सेप्ट नहीं करती। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बॉडी पानी को एक्सेप्ट ना करे। अगर हम ऐसा करते हैं तो शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता और जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। स्टोमक की पीएच एसिडिक होती है और सलाइबा की बेसिक, इसीलिए जब हम पानी सिप करके पीते हैं तो जो सलाइबा है पानी के साथ मिक्स होकर जाता है और हमारे पेट की पीएच को मेंटेन करता है। लेकिन जब लोग तेजी से पानी पीते हैं इसके कारण क्या होता है, जो सलाइवा है मुंह में वो अच्छे से पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाता और डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी का कारण बनती है। यह वही सिचुएशन है जब लोगों का वेट कम होने की जगह उनका वेट बढ़ जाता है। इसीलिए आपको पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए ताकि जो सलाइवा है अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग में अवॉइड करिए बड़ी मुंह वाली बॉटल से पानी पीना, ग्लास से पानी पिए या सिपर से पानी पिए वो बहुत अच्छा रहेगा। 3rd नंबर पे आता है ठंडा पानी पीना। अक्सर हम लोग जब काम से आते हैं, बहुत पसीना पड़ा होता है तो हम आके फ्रिज का पानी पीते हैं। क्या आप भी पीते हैं? अगर हाँ तो आप इसका नुकसान नहीं जानते, इससे गला खराब तो होता ही है, ये हमारी डाइजेशन को भी ठप कर देता है। ठंडा पानी पीने से हमारी ब्लड वेसल भी श्रिंक होती है। इसका एक और बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, हमारे जॉइंट्स में पेन होती है, हमारे जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है। वैसे तो गुनगुना पानी पिए, लेकिन इतनी गर्मी है तो गुनगुना पानी कैसे पिए, इसकी जगह आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। मिट्टी के घड़े का पानी है जो पानी को नेचुरली ठंडा करता है और पीएच को भी मेंटेन रखता है। 2nd नंबर पे आता है ड्रिंकिंग टू मच वाटर, मतलब एक दिन में बहुत सारा पानी पीना। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग सारा दिन पानी पीते रहते हैं, चलते वक्त पानी पीते हैं, भागते वक्त पानी पीते हैं, इवन सोते वक्त भी वो 5-5 मिनट के बाद उठ उठ के पानी पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी ने कह दिया है कि ज्यादा पानी
पीना सेहत के लिए अच्छा है। यह सही है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन पानी ही पीते रहो। आपको पता ही है अमृत भी अधिकता में विष बन जाता है। इसे बहुत ज्यादा पानी पीने से बॉडी के फ्लूइड्स पतले हो जाते हैं और सेल में पानी भरने लगता है, और यही अगर ब्रेन के सेल में पानी भर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी उतने पिए जितनी आपको प्यास लगती है। कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, लाइक येलोश यूरिन, फटे होंठ। नंबर वन पे आता है खड़े होकर पानी पीना। आजकल की बिजी लाइफ में आराम से बैठकर पानी पीना तो क्या, लोग तो भागते भागते पानी पीते हैं, यह बहुत गलत है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी पानी को सही ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती। जब किडनी वेस्ट को सही ढंग से फिल्टर ना कर पाए तो यह बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। खड़े होकर पानी पीने से हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का बैलेंस बिगड़ता है, जो कि हमारी जोड़ों में दर्द होने वाली बीमारी का कारण बनता है। इसीलिए जितना हो सके बैठकर आराम से पानी पिए। अब बात करते हैं कब, कैसे, कितना और कौन से बर्तन में पानी पिया जाए। पानी कब पिए? पानी आप तब पिए जब भी आपका कुछ पीने का मन हो, तब पानी पिए। एक समय होता है जब आपको पानी जरूर पीना चाहिए, सुबह उठते ही पानी पिए। क्योंकि पहले भी बात किया, जो सलाइवा है पानी के साथ मिक्स होके स्टमक की पीएच को मेंटेन करता है। यह साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि मुंह की पहली लार सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसीलिए सुबह उठकर ब्रश से पहले पानी पिए। और दूसरी बात, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी ना पिए और खाना खाने के एक घंटा तक पानी ना पिए। अब बात करते हैं कितना पानी पिए। ये कुछ स्पेसिफिक फिक्स नहीं होता कि कितना पानी पीना चाहिए। एक्चुअली डिपेंड करता है कि बॉडी टाइप, बॉडी वेट क्या है, क्लाइमेट क्या है, डेली रूटीन क्या है, इन सब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिन पे ये सब चीजें डिपेंड करती है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पानी हमें सब्जियों से भी मिलता है, फ्रूट से भी मिलता है, फलों से भी मिलता है, तो इसीलिए पानी की कोई फिक्स क्वांटिटी बताना सही नहीं होगा। नॉर्मली शरीर के लिए 2.5 से 3 लीटर पानी काफी है। बात करते हैं कौन से बर्तन में पानी पिए। वैसे तो हम किसी भी बर्तन में पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर हम तांबे के बर्तन में बासी पानी पीते हैं तो इसके फायदे लाजवाब है। तांबे के बर्तन में आप रात के समय पानी भरकर लकड़ के शेल्फ के ऊपर रखें। जब आप यह कॉपर चार्ज्ड वाटर पीते हैं तो इसके फायदे लाजवाब हैं। आप इस पानी को 3 महीने तक लगातार पिए, फिर बीच में 1 महीने का गैप डाल दें, फिर से शुरू कर लें, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस कॉपर चार्ज वाटर को आपको किसी और मेटल कंटेनर में डाल के नहीं पीना, आपको तांबे के कंटेनर में इसको पीना है। आयुर्वेदिक के मुताबिक इस वासे पानी को अमृत के बराबर माना गया है। देखिए, पानी कुदरत का वरदान है, यह लाखों बीमारियों को दूर करता है। बस हमें इसे सही ढंग से और सही तरीके से पीना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला हो। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।